क्षेत्र के पिपराई गांव पर एक बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल से बच्चों को लेकर निकली बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। इस हादसे में ड्राइवर बस में फंसा रह गया, जिस पर पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा है, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उधर इस हादसे में दो बच्चों को भी रेफर किया गया है, बाकी बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर खड़े ट्रक को भी पकड़ लिया है, लेकिन इसका चालक भाग निकला। जानकारी के मुताबिक पिपरई गांव में हाईवे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल की बस लगभग 30 से 40 बच्चों को लेकर स्कूल से निकली ही थी कि मुरैना से धौलपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को सामने से टक्कर मारी। दरअसल बस चालक ने स्कूल से निकलने के लिए बैक में ही बस को निकाला और हाईवे पर सीधा खड़ा किया। इसके बाद बस मुरैना की तरफ रिंग ही रही थी, इसी बीच ट्रक ने यह टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का ड्राइवर साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में आगे की तरफ बैठे लगभग 14 बच्चे घायल हो गए। इसके साथ ही चालक बस में ही फंसा रह गया। हादसा होते ही यहां गांव में भगदड़ मच गई। सभी लोग बस की ओर भाग पड़े। भीड़ को देखते हुए ट्रक का चालक मौके से भाग गया। चूंकि पास में ही सरायछोला थाना मौजूद है, जिस पर यहां तत्काल पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस व ग्रामीणों ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस के वाहनों से जिला अस्पताल के लिए भेज दिया। वहीं बस का चालक इसी में फंसा रह गया। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बस चालक गजेंद्र पुत्र संतोषी उम्र 40 निवासी गडौरा को बाहर निकाला। इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचाया। गजेंद्र के दोनों ही पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जिस पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं एक बच्चे आंसू पुत्र यशवीर उम्र 8 साल निवासी सरायपुरा के पैर बुरी तरह से घायल हो गए, जिस पर उसे उसके स्वजन धौलपुर किसी अस्पताल में ले गए। वहीं योगेश पुत्र विजय सिंह उम्र 7 साल के मुंह पर भी चोट थी। सुखदेव पुत्र प्रमोद उम्र 8 साल निवासी गडौरा के सभी सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिस पर उन्हें रेफर किया जा रहा है। बाकी सभी बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उधर बस में सवार अन्य बच्चे सुरक्षित बच गए। सड़क हादसे में बच्चों के घायल होने पर पुलिस अपने सभी वाहन लेकर आई, जिस पर बिना देरी किए पुलिस के वाहनों से सभी बच्चों को जिला अस्पताल के लिए भिजवा दिया गया। उधर TI शिव कुमार बस में फंसे चालक गजेंद्र को निकालने में जुटे हुए थे। जैसे ही इसे निकाला तो यहां पुलिस का कोई वाहन नहीं था, जिससे उसे ले जाया जा सकता था। इसी बीच हाईवे से गुजर रही एक कार को TI ने रुकवाया। नोएडा से आ रहे कार चालक ने वाहन को रोका। इसके बाद गंभीर रूप से घायल गजेंद्र को इसी वाहन से जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ उसका इलाज शुरू किया गया। हाथ में लगी है? हाथ में लगी है, ठीक होता है।